हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमीज ब्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये ब्लॉग है गर्ल्स सोलो ट्रिप, जो कि हमने सडन ट्रिप बनाई है और हम आ गए हैं गोवा। तो कैसे और क्या क्या हुआ है पूरा डिटेल्स जानने के लिए आप मेरे ब्लॉग को देखना ना भूले। और इफ आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं सारे ट्रिप का एक्सपेंस भी आपको मेंशन करूंगी कि बस का कितना रेंट है, होटल everything, lunch, dinner, or whatever drink we are taking. So I'm going to mention every and each expense. तो आपको idea लग जाएगा कि if आप solo trip plan कर रहे हो या फिर girls solo trip plan कर रहे हो तो आपका budget कितना होना चाहिए। And ये trip one day, हमारी first trip। कैसा feel हो रहा है? बहुत अच्छा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट ब्लॉग नोटिफिकेशन। सो हमने डिसाइड किया है कि हम जाएंगे इंटरसिटी स्मार्ट बस से गोवा। इंटरसिटी स्मार्ट बस क्यों? क्योंकि इस बस में है इनबिल्ट टॉयलेट और ये बस आपको टाइमली गोवा पहुँचा देती है। अब आप बोलोगे कि सारे बसेस आपको टाइमली पहुँचा देते हैं, तो रीजन ये बस चूज करने के लिए ये था कि एक तो इनबिल्ट टॉयलेट है इनके पास, सेकेंड As girls, we find it very safe to travel. This is my third or fourth time to travel from intercity. But ये मेरा first time है as a solo girls trip. So I prefer to travel in intercity. और सबसे best part था जब हमने ticket book किया था, इसका ticket normally आपको 2500 से लेकर 3000 तक होता है, but आज हमको ये ticket 1200 rupees में मिल गई। ब्यूटिफुल मॉर्निंग विद अ ब्यूटिफुल व्यू। तो अब बज रहे सुबह के 8:30 और यहाँ हमारी बस रुकी है। आप सोच रहे होंगे ये ब्रेकफास्ट के लिए रुकी, तो नहीं, ये देखिए क्या हो गया हमारी बस के साथ। बस का एक्सीडेंट हो चुका है पर किसी को चोट नहीं आई है। अब ये बस आगे जाएगी या नहीं जाएगी, वी आर नॉट श्योर। ये है सबसे अच्छा नज़ारा और सामने हमारी बस खड़ी है जिसका एक्सीडेंट हो गया, अभी वो चलेगी नहीं। बस काफी टाइम यहाँ रुकी है, लेट्स सी। रिफ्रेशमेंट के लिए हम लोगों ने नींबू पानी लिया, ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने पोहा खाया जो कि हमको 150 से 200 के बीच में दो लोगों का ब्रेकफास्ट होगी। 2.5 hours के बाद अप्रूवल आया ड्राइवर को कि वो बस आगे ले जा सकते हैं। राइट मिरर ड्राइवर का डैमेज हो चुका था एक्सीडेंट की वजह से, तो इसीलिए वो देख नहीं सकते थे। बट ड्राइवर ने बताया कि छोटा मिरर है, वो उसमें से देखकर ड्राइव कर लेंगे एज ही वाज एक्सपर्ट इन ड्राइविंग। तो उसके बाद बस स्टार्ट हुई और फिर से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। सो लेट मी गिव यू थोड़ा सा ज्ञान। प्लीज कैरी योर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट विथ यू। अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है सो कैरी योर निगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट, क्योंकि गोवा एंटर करने से पहले आपकी रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेट चेक होते हैं। मापसा अभी भी यहाँ से 30-40 किलोमीटर दिखा रहा है, विच विल टेक अप्रोक्सीमेटली 3 hours मे बी। और अगर ट्रैफिक मिल जाता है रास्ते में तो फिर भैया सोच लो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि राइट हैंड साइड का जो मिरर था बस का वो कैसे टूट गया और बस का फ्रंट ग्लास भी टूटा हुआ है। बट हैट्स ऑफ टू दिस एक्सपर्ट ड्राइवर जिन्होंने हमको सेफली यहाँ तक पहुँचा दिया। तो हम अभी मापसा पहुँच गए, मापसा पहुँच के वहाँ से ऑटो लेना है, फिर कलंगूट जाना है। ये फाइनली वी हैव रीच्ड गोवा। हम मापसा में उतरे, वहाँ से हमने ऑटो किया होटल जाने के लिए एंड वी आर ऑन द वे टू होटल। मापसा टू कलंगूट इट्स नॉट वेरी फार, इट ओनली टेक्स 30 मिनट्स टू रीच कलंगूट। सो ये रहा हमारा होटल जहाँ हम स्टे करने वाले हैं। कलंगूट सेंट्रल के रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं, इट्स अ 3-star होटल। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो हाउ टू बुक एंड व्हाट आर द फैसिलिटीज दे आर प्रोवाइडिंग। होटल पहुंचने के बाद भी हम लोगों को वेट करना पड़ा क्योंकि हमारा रूम रेडी नहीं था। देन वी थॉट टू टेबल लंच
उसके बाद हम लोगों ने कलंगुट सेंटर में ही लंच किया। लेट्स सी वहाँ पर फूड कैसा है। सो ये रहा हमारा खाना। प्राइस एकदम रीजनेबल है, यू कैन सिट इन द इवनिंग हैव अ ड्रिंक, और फूड का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सो हमारा लंच हो चुका है, लंच वॉज डिलीशियस और हमको रूम कीज भी मिल गए हैं। सो फाइनली हम हमारे रूम में पहुंच चुके हैं गोवा में। हम कल रात को 10:50 के आसपास घर से निकले हैं एंड देन मॉर्निंग में हमको 10:30 पर पहुंचना था गोवा लाइक मापसा पे, बट बस का एक्सीडेंट हो गया एंड देन वी गॉट डिले 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 एंड नाउ वी आर एट होटल। सो हमने इंटरसिटी बस ली थी विच चार्जेस अस 1200 पर पर्सन एंड उसके बाद हम मापसा आए। मापसा से कलंगुट के लिए हमने ऑटो किया, ऑटो चार्ज जस्ट 350 रुपीज। अब वी बार्गेन तो वो 250 में हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया, 250 में मान गए एंड यहाँ तक हम लोग 250 में आ गए। उसके बाद हमने लंच किया होटल में, लंच हमको कॉस्ट हुआ 600 रुपीज फॉर 2 पर्सन। अदर जो भी बजट है मैं आपको धीरे धीरे सारा बताते जाऊंगी। इट्स अ वन डे ट्रिप वी गर्ल्स प्लान एंड इट वाज सर्टेन ट्रिप, तो मैं आपको जो भी अपडेट है नेक्स्ट बताते रहूंगी। सो लेट्स गो, आप सबको मैं होटल और रूम टूर दोनों करवाती हूँ। इफ यू हैव मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस होटल आई हैव ऑलरेडी मेड अ ब्लॉग, यू कैन गो एंड चेक ऑन माई यूट्यूब चैनल। कलंगुट सेंटर इज अ 3-स्टार होटल और इसके गूगल रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं। ये होटल आपको कलंगुट बीच से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है, यू कैन गो बाय वॉकिंग टू द बीच। होटल मैंने गोवा बीबो से बुक किया था एंड द होटल चार्जेस अस 2859 फॉर वन डे। Thank you.
अभी टाइम हो रहा है 3:30, हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर आपसे मिलते हैं इवनिंग में। सारे कलरफुल बीच उधर जाके मजा करेंगे, होटल से 10 मिनट की दूरी पे हमारे। ये मिस रंजीता, रात में बहुत बहुत ज्यादा एंजॉय किया। अभी हम हो गए हैं, उठ गए हैं सुबह सुबह, इट्स 8:30, लेट हो गया था। रात में बहुत सारा एंजॉय किया हमने। अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, तो मैं आपको बता दूँ अभी क्या है। होटल से ही हमने ब्रेकफास्ट बुक कर लिया। इडली सांबर,
हमने अभी ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद हम जा रहे हैं कहाँ? बागा बीच, क्योंकि कल रात में हम लोगों ने बागा बीच देखा नहीं था और रंजू का फर्स्ट टाइम है तो जाना बनता है। फिर से वॉकिंग वॉकिंग करके जा रहे हैं। How was your experience? Experience is good. The first girls solo trip was success. शॉपिंग फॉर गर्ल्स इज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी। सो हमने जैसे ही हम लोगों को टाइम मिला, पहले हमने शॉपिंग की, उसके बाद हमने बीच इंजॉय किया। तो हमें ये स्लीपर्स बहुत पसंद आए तो हम लोगों ने इसको परचेस किया। ये हमको 350 रुपीज़ में मिल गई। हम जब होटल से निकले थे तो हमने सोचा था कि हम बागा बीच जाएंगे, बट वी एंड अप गोइंग ऑन कलंगूट बीच। हमने वहाँ पर बीच एंजॉय किया, उसके बाद हमने सोचा स्कूटी रेंट पर ले लेते हैं। गोवा में आपको रेंट पर स्कूटी 350 से 500 के बीच में पर डे पे मिल जाती है। तो वी आर गोइंग टू गेट आवर स्कूटी। कलंगूट लेन में ही बहुत सारे शॉप्स हैं जहाँ पर आपको रेंट पर स्कूटी मिल जाती है। स्कूटी लेने के पहले आपको सारा चेक करना है कि कहीं से भी स्कूटी डैमेज नहीं हो, इसके ब्रेक ठीक है और पेट्रोल कितना है, क्योंकि वो पेट्रोल बहुत ही कम देते हैं। आपको पेट्रोल पेट्रोल पंप पर जाकर भरवाना पड़ता है। तो आपका एक आईडी कार्ड डिपॉजिट करना होता है एंड देन यू कैन टेक द स्कूटी। स्कूटी लेने के बाद फटाफट हम लोग होटल गए, होटल में रेडी हुए। रेडी होकर हमने चेकआउट किया और सामान होटल में ही रखा, क्योंकि हम लोगों का बस था 5:30 को इवनिंग में और अभी बज रहा था 10:30। सो हम लोगों ने सोचा कि स्कूटी से हम रिमेनिंग पॉइंट्स घूम सके। सो चल पड़े हम एक्सप्लोर करने के लिए गोवा। हम अभी गोडा सेंट्रल जेल, जो ओल्ड वाला जेल था, वहाँ देखने के लिए जा रहे हैं। लास्ट टाइम व्हेन आई विजिटेड गोवा, वो जगह टूरिस्ट प्लेस के लिए ओपन होने वाली थी। सो देखते हैं अभी वो ओपन हुई है या नहीं। नेक्स्ट स्टॉप हमारा था अगोड़ा फोर्ट एंड लाइट हाउस।
विच इज अगेन अ फेमस प्लेस टू विजिट इन नॉर्थ गोवा. बट जैसे हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा इट वॉज वेरी क्राउडेड एंड इट वॉज हॉट वेदर, सो वी अवॉइडेड. उसके बाद हम लोगों ने कैंडोलिम बीच पर जाना डिसाइड किया. Thank you.
सो ये था कैडोलम बीच। तो कैंडलम बीच विजिट करने के बाद हम फिर से होटल गए, वहाँ से हमने हमारा लगेज उठाया एंड देन वी वेंट टू बागा बीच। सो लेट्स गो एंजॉय सम यम्मी फूड ऑन बागा सैक। कि बाग कब अच्छा था वो भी कर लिया हमने।